35 ईयर से हमको इलेक्शन जीतने का अभ्यास है, क्योंकि हम जनता से वोट मांगता नहीं हूँ, बल्कि खुद ही उनका वोट बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट कर देता हूँ। पिताजी, इससे पहले के चुनाव एक तरफा होते थे, चुनाव से पहले ही आप जीत जाते थे, मगर इस बार आपके खिलाफ वो जनता का लीडर खड़ा है। जनता का लीडर? हमारे गांव में इंस्पेक्टर बनकर आया था, उसकी नौकरी जाती रही, अब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी जान जाएगी। अब उसके साथ जो भी करना होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा, वरना चुनाव रद्द हो सकता है। हम लोग आज से ही चुनाव का प्रचार शुरू कर देते हैं। शाबाश बेटे, चुनाव प्रचार यानी के धमकी और सख्त वार्निंग। वोट हमको दो, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। नमूने के तौर पर तो पिताजी, आज हम उन लोगों की पिटाई करेंगे जो हमारे विरोधी का प्रचार कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम मेरे बेटो। सब औरतें लाइन लगा के एक एक साड़ी ले लो, और साथ में 100 रुपए भी। साड़ी और रुपया किस लिए? चुनाव जीतने की खुशी में। मगर चुनाव तो कल होगा। चुनाव कल हो या परसों, लेकिन चुनाव हम लोग ही जीतेंगे, और हमारा ये हुक्म है कि वोट हमको ही मिलेगा। हो सकता है तुम में से कई औरतों को हमारा ऐलान मंजूर ना हो और वो हमें वोट देना ना चाहे, कोई बात नहीं, उनके लिए भी हमारे पास एक साड़ी है, ये सफेद साड़ी, और ये साड़ी इतनी लंबी है कि ये उनके विधवा होने पर भी काम आ सकती है और उनके पति के कफन के काम भी। जो जो औरत सुहागवती बने रहना चाहती है वो ये लाल साड़ी ले ले, और यही साड़ी पहनकर उसे कल वोट देने आना है, ताकि उसे याद रहे वोट किसे देना है, गलती ना हो। आओ साड़ियां ले लो, आओ। क्यों साड़ी नहीं लेगी? ये आपके 100 रुपए सुहागन बनने से पहले ही विधवा बना देंगे। चुपचाप साड़ी ले ले और कल जाके वोट दे देना, समझी? वरना उस जीरो को तो हम मार ही देंगे और साथ में तेरे मामा को भी जिंदा गाड़ देंगे। अरे तू हंसी क्यों? साड़ी का रंग तो खतरे का रंग है, लाल रंग। खतरे से बचना, कल चुनाव है। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब, सब चौधरी साहब को वोट दे। अरे लेना, कई सारी औरतों ने हमारी साड़ी पहन रखी है। देखा, इन सारे मर्दों ने हमारी शराब पी रखी है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, यार गांव की सभी औरतों ने चौधरी की इतनी साड़ियां पहन रखी हैं। यार मुझे उम्मीद नहीं है कि क्रांति साहब को वोट मिलेगा। लगता है इस बार भी चौधरी ही जीतेगा। भगवान इस गांव को बचा। कृपया ध्यान से सुनिए, रामपुर पंचायत के प्रधान के चुनाव में श्री क्रांति कुमार को विजयी घोषित किया जाता है। दारू हमरा पिया और वोट उसको डाला, साड़ी हमरा पहना और वोट उसको डाला। एक दिन का वोटिंग ने हमरा 35 साल का राज को हिला दिया। पिताजी, साड़ी देने का प्लान आप ही ने बनाया था, दारू पिलवाने का प्रोग्राम भी आप ही का था, वरना हम तो हमेशा की तरह बूथ पर कब्जा करके सारे के सारे वोट खुद ही डाल देते, और उनके भी जो मर चुके हैं। सारी रात ही गांव वाले खुशी मनाते रहे, ये खुशी उनकी जीत की खुशी नहीं थी बेटा, ये खुशी हमारी हार की खुशी थी। उस दूसरे कुत्ते हमारी हार का जश्न मनाते रहे बेटा। उनकी खुशी को हम गम में बदल देंगे। उन्होंने रात खुशी में मनाई है, अब दिन गम में बिताएंगे। जाओ जाओ,
यहाँ खड़ा रह के हमको झूठा तसल्ली मत दो। अपना साड़ी सबके बदन से उतारो, नंगा कर दो सबको नंगा। जाओ बेटा जाओ जाओ जाओ। तुम सबकी इतनी हिम्मत, हमारी दी हुई साड़ी पहनी और वोट उसको देकर जिताया। जिसको जीतना था वो जीता है। तब तो तुम लोगों को हमारी साड़ी पहनने का हक नहीं। निकालो साड़ी। तुम्हारी साड़ी हमारे किसी काम की नहीं है, घर जाके भिजवा देंगे। घर जाकर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तुम्हारे सामने साड़ी उतारे क्यों नहीं? तुम सब गाँव वालों ने मिलकर हमारे साथ में चीटिंग बाजी की है, इसलिए हमारी दी हुई ये साड़ियाँ तुम्हें यही उतारनी होगी, वरना हम खुद उतार देंगे। छोड़ छोड़ दे हमें, कहाँ ले जा रहा है? क्या कर रहा है? देखो साहब, छोड़ ना हमें। देखो साहब, मैं किसको लेके आया? कौन है ये? ये क्रांति कुमार की माँ है और ये बहन। बहुत अच्छा किया जो इनको पकड़ के लाया। अरे शैतानो, इनको क्यों पकड़ा है? इन्होंने तो वोट नहीं दिया है। दिया नहीं तो क्या हुआ, दिलाया तो है। मैं कहती हूँ छोड़ दो इनको, वही हाल होगा जो दुशासन का होता है। द्रौपदी को बचाने तो भगवान कृष्ण आए थे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? Thank you.
मेरे बेटे चले गए, दोनों के दोनों एक साथ। दुनिया बहुत खराब है भैया, हम सोचता था हमारी आरती को कांधा देने के लिए चार चार बेटे मौजूद हैं, अब दो दो आरतियां हमारे कांधे पे। साला, हमारे बेटों को मारने वाला अभी तक जिंदा है। मैं अपने बेटों की लाश की कसम खाता हूं, जब तक उस कातिल की लाश नहीं उठेगी मैं अपने बेटों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। जाओ